राजस्थान की नई सरकार बनने के बाद में पहला विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि नए विधायक इसके अंदर शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं, और दूसरे दिन जब इसका सत्र होगा उस दिन विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी होता हुआ नजर आएगा। वासुदेव देवनानी बनते भी नजर आ रहे हैं और कांग्रेस भी इस बार उनको समर्थन करती भी नजर आ सकती है, तो फिर कहीं ना कहीं आप सभी को बता दें कि निर्विरोध चुनाव यह होता हुआ नजर आएगा। साथ ही इसको लेकर के भी क्या कुछ अपडेट सामने आई है, क्या कुछ इस सत्र के अंदर हो सकता है, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर से बुलाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा की ओर से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देवनानी को समर्थन भी दे सकता है। यदि विपक्ष देवनानी को समर्थन देता है तो उनका चुनाव निर्विरोध भी हो जाएगा। राजस्थान में यह संभवतः पहला मौका है जब मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों की शपथ हो रही हो। इससे पहले नई विधानसभा का पहला सत्र जनवरी में होता आया है, इसलिए सत्र से पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाया करता था, लेकिन इस बार विधायकों की शपथ पहले हो रही है। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने वरिष्ठ विधायक कालीचरण सर्राफ को सोमवार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। कालीचरण सर्राफ को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को शपथ दिलाई थी, और प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए राज्यपाल ने 3 सदस्यीय पैनल भी बनाया है। इसमें वरिष्ठ विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शामिल किया गया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़18 के साथ। नमस्कार।